राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। तो दोस्तों, आपकी हिंदी की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। करेंट की क्लास आपको कंटिन्यूस मिल रही है। चैनल पे आपको सारी अपडेट, किसी भी वैकेंसी रिलेटेड जेन्युइन अपडेट मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यूज बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं। तो बहुत ही जल्दी दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारी जीएस की क्लास। तो सबसे पहले मैं आपको जीएस का एनालाइज पहले ही कर चुका हूँ, उसकी वीडियो जो यूपीएसआई का जो मैंने एनालाइज किया है, यूपी कांस्टेबल का, उसकी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और आज हम बात करेंगे कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं अपने चैनल पे, जो हमारे जीएस की टोटली फ्री क्लास चलने वाली है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। तो समय ना व्यर्थ करते हुए चलते हैं सीधा बोर्ड की ओर। और ये उन लोगों के लिए खास है जो लोग नए हैं, पहली बार यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल का एग्जाम देंगे, जिन्होंने अब तक कोई वैकेंसी नहीं दी है, वो इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो ऑलमोस्ट सारी चीजें पता है, तो वो एक बार को ये सारी चीजें जानते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, फ्रेशर हैं, वो इस बात को गौर से देखें और पूरी वीडियो देखें, ताकि उन्हें पूरी डिटेल समझ में आए। इस वीडियो के अलावा मेरे किसी भी क्लास या किसी भी वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए तो आप जल्दी से बोर्ड की ओर चलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है यूपीएसआई यूपी पुलिस जीएस स्पेशल फॉर ऑल एग्जाम, और मूल विधि स्पेशल होने वाली है। मूल विधि के लिए अलग से ध्यान दिया जाएगा, यूपीएसआई के स्टूडेंट्स ध्यान रखें। और कांस्टेबल में तो मूल विधि आती नहीं है, तो आपको जीएस पूरा विस्तार रूप से बेसिक से टॉप तक कराई जाएगी, बेस से लेकर टॉप तक कराई जाएगी। तो मैंने जो दोस्तों क्या किया है, जो सिलेबस को बांटा है वो तीन भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो उस तीन भागों में क्या है, हमारा सबसे पहले जो एक आता है वो है हमारा एक नंबर पर, मैंने इसको ले लिया संविधान, ठीक है, भारतीय शासन एवं प्रशासन एवं राज्य व्यवस्था, इसको भी आप बोल सकते हो। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो है मूल विधि, ठीक है। तो मैंने दूसरे नंबर पे ले ली आपकी मूल विधि, और तीसरे नंबर पे आता है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है। अब हम इसको इसके अंदर जानेंगे कि इसमें है क्या। तो चलिए हम तीसरे से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान में क्या है दोस्तों, सामान्य ज्ञान में आप में सारा कुछ आ जाता है, जैसे आपकी भारत का इतिहास, आपकी हिस्ट्री, भारत के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिख दिए हैं, ठीक है। सामान्य विज्ञान, पर्यावरण एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, आदि एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी चीजें, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपके हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें आते हैं, ये मैंने एनालाइज आपको पहले किया है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आते हैं। तो आपको पता है हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, टोटल सामान्य ज्ञान के भी अगर देखा जाए तो पूरे सिलेबस के हिसाब से 50% से भी कम क्वेश्चन आते हैं, 50% से जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इन दोनों में, पॉइंट नंबर टू में और वन में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर वन की। तो पॉइंट नंबर वन है हमारा संविधान, ठीक है। तो संविधान को दोस्तों थोड़ा गौर से देखिएगा, आराम से बैठ जाइए, बोलते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इसको समझना है, तो कुर्सी की पेटी आराम से बांध लीजिए और रिलैक्स होकर बैठ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास, तो इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे, जो भारत का संविधान का जो विकास हुआ है वो किस किस तरीके से हुआ है, ठीक है, कब कब हुआ, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया, जब आजादी मिली तो संविधान कब बना, उसकी सभा कैसे गठित हुई, ठीक है, संविधान कैसे बना, उसकी जो सभा गठित हुई उसके निर्माण प्रक्रिया, संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है वो है दोस्तों संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है। जब संविधान सभा बनी तो उसमें कई सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ये सब हम जानेंगे कि उसमें कितने सारे लोग थे। तो उसकी जो प्रमुख समितियां थी, जो फ्रंट पे रह के जिन्होंने काम किया, जिनके ऊपर दायित्व था, जिम्मेदारी थी, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा एक आता है संविधान सभा का स्रोत, इसका स्रोत क्या था, ठीक है।
आपका एक पॉइंट आता है मूल अधिकार। आप लोग जानते होंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा। हर एक लोग, अगर थोड़ा बहुत भी कोई इंसान पढ़ता है ना, तो वो सबसे पहले अपने मूल अधिकार के बारे में जान जाता है। ठीक है, उसको नहीं पता हो कि मेरे मूल अधिकार क्या है, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि मूल अधिकार होते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस से लेकर टॉप तक जाएंगे। नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, शासन प्रणाली, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राजभाषा, ठीक है, इन सब चीजों को पढ़ेंगे। एक हमारा आता है संवैधानिक संशोधन, चुनाव आयोग, तो आपने पढ़ा होगा अब भारत में चुनाव होता है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे, चुनाव आयोग पे। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि चुनाव आयोग जिम्मेदारी, लेकिन वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है, चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो अभी अध्यक्ष कौन है। संवैधानिक संशोधन, आपने देखा होगा संशोधन हुआ, 104 अमेंडमेंट कौन सा है, संशोधन को अमेंडमेंट बोलते हैं, ठीक है, तो 104 अमेंडमेंट कौन सा है। 73वां इम्पोर्टेंट है, तो वो पूछ लेगा 73 संशोधन बताओ, या वो कोई आपको सिचुएशन दे देगा, ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, वो आपसे खेलता है, वो वहीं की वहीं आपको घुमाता रहेगा, वो आपको कोई सिचुएशन दे देगा। उसने आपको सिचुएशन दे दी कि ये सिचुएशन है, ये बताओ कौन से संशोधन में हुई है, तो उसका आपको चार ऑप्शन रख देगा, 73वां, 52वां, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन रख देगा, इसे जो तो आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजें जो है हम आपको क्लियर कराएंगे, आपात उपवन, ठीक है, वित्त आयोग क्या है, तो ये सारी चीजें हम क्लियर कराएंगे। और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख दिए थे इसमें, तो एक्सेट्रा आदि, वो सारे पॉइंट्स हम क्लियर कराएंगे। अब जल्दी से चलते हैं मूल विधि की ओर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले हम ये और जान लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं, तो ये चीज आप जान लो कि संविधान और इस जो फर्स्ट टॉपिक हमने बांटा है, इससे क्वेश्चन करीब आपके बनेंगे 12 से 14 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है, 12 से 14 क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ इसको इतना मजबूत कर लो ना, तो आपको जितना मिनिमम पर सब्जेक्ट पास करने के लिए चाहिए, उसमें आपको चाहिए होते हैं 14 क्वेश्चन, ठीक है, 14 क्वेश्चन आपको चाहिए होते हैं, वो आप अकेले एक टॉपिक से ले लोगे। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर इस क्लास को और मेरी जो भी क्लास आएंगी, ठीक है, जीएस की, आपकी पॉलिटी की, मूल विधि की, आपने अगर उसको एक क्लास से लेके एंड तक ले लिया, तो आपका ऐसा ही निकलने वाला है, ये बात श्योर है, आपका कांस्टेबल निकलने वाला है, ये बात श्योर है, और आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, यहां तक के आरओ हो, आपकी जीएस निकलने वाली है। अगर आप बोलोगे तो मैं आरओ के लिए इतना घुस के पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं बेसिक से चलने वाला हूं, तो जो भी नया बच्चा है, मैं फ्रेशर के हिसाब से चल रहा हूं, जिसने कभी नहीं पढ़ा, जिसने जाना ही नहीं जीएस क्या होती है, उसको भी समझ आ जाएगा मैं ऐसे पढ़ने वाला हूं, ठीक है। अब चलते हैं मूल विधि, तो हमारा जो मूल विधि है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, मूल विधि में नई न्यू जो आईपीसी सीआरपीसी है, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, वो सब आपको मिलेगा एकदम फ्री और एकदम विस्तार से और एकदम बेसिक से लेकर टॉप तक। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, आईटी अधिनियम, ठीक है, आप देखते हो अब कितने सारे टेक्नोलॉजी आ गई, तो इसके जो कानून है उसमें पढ़ेंगे, इस पर क्या धारा है, वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, अगर आप किसी जंगली जानवर को मारते हो, या उसके जो रखरखाव के नियम है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो, या पर्यावरण को कैसे रखे हैं, ठीक है, कैसे पर्यावरण बना रहे, यातायात नियम, ट्रैफिक रूल्स, आप सड़क पे चलते हो, सिग्नल को देखते हो ना, तो ये सारी चीजें, वो नियम किस कानून के अंदर आते हैं, आप सिग्नल तोड़ते हो तो आपका क्या होगा, चालान कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, इसको तो बहुत विस्तार से आपको बताया जाएगा, ठीक है, एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा। अब हम चलते हैं आयकर अधिनियम, ठीक है, इनकम टैक्स आपने पढ़ा होगा, तो ये हमारा आयकर अधिनियम हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, और इनको मैं बेसिक से लेके ऐसे आपके दिमाग में घुसा दूंगा ना कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपकी जनहित याचिका, ठीक है, आपने बहुत सुना होगा जनहित याचिका के बारे में, अक्सर लोग बोलते रहते हैं, तो ये किस आप किस अधिकार के थ्रू, किस कानून के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, इसमें अभी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं, बोर्ड छोटा होने की वजह से मैंने सिर्फ उतना ही लिखा, क्योंकि मैं राइटिंग तो ज्यादा अच्छा नहीं है,
बोर्ड पे मैं बड़ी मुश्किल से इतना ही बना पाता हूँ, और पता नहीं अब कैसे बनाऊंगा। मे बी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना है कि प्रैक्टिस से लोग अच्छे हो जाते हैं, तो मैं भी शायद लिखते लिखते अच्छा हो जाऊं। और तीसरा मैंने आपको बताया ही सामान्य ज्ञान, इसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसके भी क्वेश्चन 10 से 12 इसके भी आ जाते हैं, 10 से 12 टोटल। इन दोनों के जो क्वेश्चन आपके जीएस में आते हैं वो आते हैं 22 से 24 क्वेश्चन, ठीक है, 22 से 24 क्वेश्चन सिर्फ इन दोनों से, और टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 40, तो 50% से अबव सिर्फ इन दोनों से आ रहा है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो बाकी का इसमें आ रहा है, और इसमें बहुत कुछ पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़नी है, बस जितना भी बचता है वो सब आपको जीएस का इसमें पढ़ना है, करेंट है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, वो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो क्यों ना इन दो पे ही फोकस किया जाए, ठीक है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके एनालाइज देखिएगा जरूर, उसमें भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट ही देखने को मिलेगा अगर आप फ्रेशर हो, और आप समझो कि आपके लिए ही वो वीडियो बनाई गई है ताकि आप उससे लाभ उठा सकें, आपको किधर भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो हम जो शुरुआत करेंगे, तो हमारी क्लास की जो शुरुआत होने वाली है वो हम उठाने वाले हैं टॉपिक 1। आपको डेली एक क्लास मिलेगी दोस्तों, जीएस की एक क्लास डेली, एक क्लास हिंदी की, और एक क्लास आपको मिलने वाली है करेंट की, और कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आती है वो आपको कंटिन्यू मिलेगी। चलिए मैं आपको थोड़ा साफ करके बता देता हूँ कि आपको कितनी कितनी क्लासेस डेली मिलने वाली है, और ऐसा ही हो या आपका कॉन्स्टेबल हो। मैंने देखा है कि जो भी स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं एस्पिरेंट, उनके मन में रहता है कि हम तो भाई कॉन्स्टेबल की तैयारी करते हैं, हम एसआई के बैच क्यों ले, या ये सब तो सिर्फ एसआई को पढ़ा रहे हैं, हम कॉन्स्टेबल क्यों पढ़ा रहे हैं, या ये तो सिर्फ पुलिस के लिए है, हम टेट सी टेट वाले क्यों देखें। तो मैं आपको बता दूं, यूपी एसआई प्लस कॉन्स्टेबल, ठीक है, प्लस टेट प्लस सी टेट, ठीक है, प्लस अदर स्टेट एग्जाम, अदर स्टेट एग्जाम में आपके सारे आ जाते हैं, वीडियो पैट, ठीक है, लेखपाल, जो भी आपका एग्जाम बनता है वो सारे एग्जाम इनसे ही होंगे। मैं बेस से लेके इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप किसी के भी एस्पिरेंट हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात श्योर है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए, और आपको क्या क्या मिलने वाला है डेली हमारे चैनल पे, देखिए एक क्लास आपकी हिंदी, ठीक है, हिंदी की आपकी एक क्लास हो गई, एक क्लास आपकी जीएस की, ठीक है, एक क्लास जीएस, और एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स। और वो आप बोल भी सकते हैं कि स्टैटिक्स जीके, ठीक है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स जीके, एक क्लास आपको डेली ये 3 क्लास मिलेंगी, और चौथा आपको मिलेगा अगर कोई इंफॉर्मेशन हो, इफ एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, अबाउट वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, और एकदम सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप क्लास से लाभ उठा सकें, और जल्दी से जल्दी हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। कोशिश यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, अगर आपको कुछ भी कमी लगती है या पढ़ाने में कुछ गलत लगता है, कुछ चेंज कराना है, कोई तरीका चेंज कराना है, या आपको कुछ भी गलत लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, आप कमेंट करिए बेझिझक, आपके लिए वो चीज प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, और दोबारा समझाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद है कि आप चैनल से बने रहेंगे, धन्यवाद, राधे राधे।